जीवन का अंतिम अटल सत्य मृत्यु है और जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन प्राण त्यागने ही पड़ते हैं लेकिन काशी में मृत्यु को शोक का विषय नहीं मंगलमय बताया गया है आइए जानते हैं ऐसा क्यों कहा गया है और क्या है मणिकर का घाट का रहस्य महादेव की नगरी काशी विश्व की सबसे प्राचीन नगरियों और तीर्थ धामों में से एक है यह नगरी अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है महादेव के कंठ में यदि राम नाम का जाप चलता है तो उनके हृदय में काशी वास करती है सप्तपुरियों में काशी भी एक है और यहाँ मृत्यु को मंगल बताया गया है काशी के बारे में ज्यादा जानना हो तो काशी खंड में कई सारी बातें इस शिव नगरी के बारे में बताई गई है काशी नगरी माँ गंगा के तट के समीप बसी हुई है और यहाँ लगभग चौरासी घाट बने हुए हैं काशी का सबसे प्रसिद्ध और रहस्यों से भरा घाट मनेकर ने है जिसे महाश्मशान कहा जाता है आखिर काशी में मृत्यु को उत्सव के रूप में क्यों देखा जाता है आइए जानते हैं इस विषय के बारे में काशी खंड में आता है इसका वर्णन मरना मंगलम यत्र विभूतिष्चा विभूषणम कौपिन यत्र कौशयम सा काशी केन्मीयते इस श्लोक में काशी के मरने करने का घाट की महिमा बताई गई है इसमें लिखा है कि काशी में मृत्यु होना मंगलकारी है जहाँ की विभूति आभूषण हो जहाँ की राख रेशमी वस्त्र की भांति हो वह काशी दिव्य एवं अतुलनीय है जो जीव काशी में प्राण त्यागता है फिर उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है काशी की महिमा और मणिकर्णिका घाट का, का महत्व त्वत्तीरे मरण तू मंगल कर देवरपि श्लाध्यते शक्रस्तम मनुज सहस्र दृष्टोम द्रष्टुम सदा तत्परा आयांतम सविता सहस्र किरण प्रतियुक्तोभूत सदा पुण्योसौ वृषथवा गरुडगा किन् मंदिर यास्यति इस श्लोक में मरनिकर का घाट की प्रशंसा में लिखा गया है कि इस घाट के तट पर मृत्यु शुभ है और इसकी प्रशंसा स्वयं देवता करते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उसे देवताओं के राजा इंद्र अपनी सहस्त्र नेत्रों से देखने के लिए व्याकुल रहते हैं सूर्य देव भी उस जीवात्मा को शरीर त्यागाता देख अपनी हजार किरणों से उसका स्वागत करते हैं देवता उस जीवात्मा के परलोक गमन की यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं और मन ही मन सोचत है कि पता नहीं ये वृषभ शिव के वाहन का स्वरूप पर सवार होकर या फिर गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन पर सवार होकर बैकुंठ जेगा या कैलाश इसकी परम गति तो हम भी जानने में असमर्थ हैं आखिर क्यों काशी में मृत्यु का होना मंगल माना जाता है जानिए मनेकरने का घाट का रहस्य मनेकरने का घाट आखिर क्यों काशी में मृत्यु का होना मंगल माना जाता है जानिए मने का घाट का रहस्य जीवन का अंतिम अटल सत्य मृत्यु है और जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन प्राण त्यागने ही पड़ते हैं लेकिन काशी में मृत्यु को शोक का विषय नहीं मंगलमय बताया गया है आइए जानते हैं ऐसा क्यों कहा गया है और क्या है मनेकर का घाट का रहस्य महादेव की नगरी काशी विश्व की सबसे प्राचीन नगरियों और तीरथ धामों में से एक है यह नगरी अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है महादेव के कंठ में यदि राम नाम का जाप चलता है तो उनके हृदय में काशी वास करती है सप्तपुरियों में काशी भी एक है और यहाँ मृत्यु को मंगल बताया गया है काशी के बारे में ज्यादा जानना हो तो काशी खंड में कई सारी बातें इस शिव नगरी के बारे में बताई गई है काशी नगरी मां गंगा के तट के समीप बसी हुई है और यहाँ लगभग चौरासी घाट बने हुए हैं काशी का सबसे प्रसिद्ध और रहस्यों से भरा घाट मने का है जिसे महाश्मशान कहा जाता है आखिर काशी में मृत्यु को उत्सव के रूप में क्यों देखा जाता है आइए जानते हैं इस विषय के बारे में काशी खंड में आता है इसका वर्णन मरना मंगलम यत्र विभूतिष्ठ विभूषणम कौपीन यत्र कौशयम सा काशी नियते इस श्लोक में काशी के मरने कर्णिका घाट की महिमा बताई गई है इसमें लिखा है कि काशी में मृत्यु होना मंगलकारी है जहाँ की विभूति आभूषण हो जहाँ की राख रेशमी वस्त्र की भांति हो वो काशी दिव्य एवं अतुलनीय है जो जीव काशी में प्राण त्यागता है फिर उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है काशी की महिमा और मणिकर्णिका घाट का महत्व त्वत्रे मरणं तु मंगल कर देवरपि श्लाध्यते। शक्रस्त मनुज सहस्र निद्रष्टुम सदा तत्परा आयातम सविता सहस्र किरण प्रत्युग्भूत सदा पुण्यो सौ वृषथवा गरुडगल किन् मंदिर यास्यति इस श्लोक में मरनेक निका घाट की प्रशंसा में लिखा गया है कि इस घाट के तट पर मृत्यु शुभ है और इसकी प्रशंसा स्वयं देवता करते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उसे देवताओं के राजा इंद्र अपनी सहस्त्र नेत्रों से देखने के लिए व्याकुल रहते हैं सूर्य देव भी उस जीवात्मा को शरीर त्यागाता देख अपनी हजार किरणों से उसका स्वागत करते हैं देवता उस जीवात्मा के परलोक गमन की यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं और मन ही मन सोचत है कि पता नहीं ये वृषभ शिव के वाहन का स्वरूप पर सवार होकर या फिर गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन पर सवार होकर बैकुंठ जेगा या कैलाश इसकी परम गति तो हम भी जानने में असमर्थ हैं काशी में चौबीस घंटे जलती है चिता काशी के मरनेकर का घाट में चौबीस घंटे चिता जलती रहती है और यह कभी भूझती नहीं है इसलिए काशी के इस घाट को महाश्मशान कहते हैं ये घाट अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है काशी खंड के अनुसार जिसका भी यहाँ अंतिम संस्कार होता है या मृत्यु होती है उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र कान में देकर मोक्ष प्रदान करते हैं आखिर क्या तारक मंत्र देते हैं भगवान शिव मान्यता है कि काशी में जो भी अपने प्राण त्यागता है भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं जिसे जानकर जीवात्मा सीधे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है इसलिए काशी में मृत्यु को मंगल कहा जाता है कितना भी दुर्चारी व्यक्ति या पापी प्राणी क्यों न हो उसकी मृत्यु यदि यहाँ होती है तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित है पुराणों में लिखा है काशी में मृत्यु को प्राप्त करना पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं भगवान शिव जीवात्मा के कान में आकर तीन बार राम 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 बोलते हैं जिसे तारक मंत्र कहा जाता है क्योंकि राम नाम में इतना सामर्थ्य है कि यह किसी को भी भव सागर से पार कर सकता है उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें